अफगानिस्तान से चमन की हदूद में शहरी आबादी पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। फायरिंग का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। फायरिंग में बच्चों और खवातीन के जख्मी होने की भी इतलात हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, अफगानिस्तान से चमन की हदूद में शहरी आबादी पर एक बार फिर से बिला इश्तियाल फायरिंग। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर से। अहमद बताइएगा, पहले फायरिंग का वाकया पेश आया था, 6 शहरी उसमें शहीद हो गए थे जबकि 17 जख्मी हुए थे। वजीर दिफा की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि तालिबान हुकूमत ने इस पर माजरत की है हमसे, मगर उसके बावजूद फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, ये खौफनाक सूरत हाल है पाक अफगान सरहद पर, जहाँ से फिर वैसी ही इतलात आ रही है की अफगान हदूद से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है और ये सिलसिला वक्फे से जारी है। और ये बिला इम्तियाज फायरिंग है, अंधाधुंध फायरिंग है, जिससे शहरी आबादी है चमन की, जो उसको टारगेट किया जा रहा है, वो इससे मुतासर हो रही है। और इतलात एक बार फिर यही आ रही है कि जो आज फायरिंग का सिलसिला जारी है उसमें बच्चों और खवातीन के जख्मी होने की इतलात है। मुतद्दद अफराद जख्मी हो चुके हैं जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक है, जो पाकिस्तान चमन बॉर्डर है। और ये भी इतलात है कि इसमें जो जहाँ से फायरिंग हो रही है उनको पूर्व और मुस्तद जवाब देने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। ठीक है अहमद मंसूर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।